डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का वीकली करंट अफेयर में। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूरे वीक का जो आपका न्यूज़ होता है उसके बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो मीडिया को देखें तो मीडिया डेली हज़ार न्यूज़ सुना देता है, बट उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, क्या हमें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होती है। इतनी सारी चीज़ें तो हम याद करके रख नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम 12 to 13 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एज यूजुअल, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एक ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डिटेल में इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दादा साहब फाल्के अवार्ड। आप सभी को पता है कि जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है हमारे देश में, वो हर साल होता है। कब से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1954 से और अभी तक चल रहा है। और जब भी ये नेशनल फिल्म अवार्ड होता है तो उसमें जो बेस्ट एक्टर हैं, बेस्ट एक्ट्रेसेस हैं, किस मूवी के लिए उनको अवार्ड दिया जाता है, वो सब दिया जाता था। कब से दिया जा रहा है? 1954 से। 1969 में एक अवार्ड यहाँ पे और ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड, और ये फिल्म फ्रेटर्निटी का हाईएस्ट अवार्ड होता है। तो अभी आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ मनाया गया 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, जहाँ पे दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड। और ये जो नाम है ना, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के इंडियन सिनेमा का इनको कहा जाता है कि ये जनक हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। जो इंडिया की फर्स्ट फीचर फिल्म थी, फीचर फिल्म मतलब वो फिल्म जो थोड़ी लंबी होती है, जिनमें एक स्टोरी होती है, शॉर्ट फिल्म नहीं, फीचर फिल्म की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया की जो फीचर फिल्म थी वो बनी थी 1930 में, और वो किसने बनाया था? दैट इज़ दादा साहब फाल्के, और फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना इंडियन सिनेमा में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाने लगा। कब से दिया जाने लगा आपको ऑलरेडी पता है, तो पहला ऑप्शन तो आप सभी को पता है कि सही है। सेकेंड ऑप्शन है, द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वॉज एक्टर पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर जी को दिया गया था ये दादा साहब फाल्के अवार्ड, बट पहला नहीं दिया गया था। 1969 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय देविका रानी को ये अवार्ड दिया गया था। और जो थर्ड ऑप्शन है आपका, रिसेंट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड इज रजनीकांत। तो बिल्कुल सही है, आप सभी को पता भी होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ सकता है कि इस अवार्ड में दिया क्या जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे दिए जाते हैं 10 लाख रुपए और एक दिया जाता है गोल्डन लोटस, ठीक है। चलिए कुछ और डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है, वही जो मैंने आपको पहले बताया है, तो आप ध्यान रखना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था। तो बेस्ट एक्ट्रेस हैं ये कंगना रनावत जी, और इनको मणिकर्णिका के लिए दिया गया ये अवार्ड, और पंगा के लिए। और बेस्ट एक्टर दो लोगों को दिया गया, दैट इज़ मनोज बाजपेयी एंड धनुष। मनोज बाजपेयी को भोसले में जो उन्होंने वर्क किया उसके लिए, और असुरन में वर्क किया है धनुष जी ने। ये मूवी काफ़ी अच्छी है, मैंने देखा है, अगर आप देखना चाहो तो आप। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच एमंग द फॉलोइंग कंपनी प्लेस द विनिंग बिड ऑफ वर्थ 7,090 crore rupees फॉर न्यू IPL टीम। मतलब पहले हम मूवीज़ में देखते थे ना कि घोड़ों के ऊपर बोली लगती थी, बट आज लगती है बोली आदमियों के ऊपर। और यहाँ पे कंपनी का नाम है RPSC। एक कंट्रोवर्सी भी इसको लेके हो गई कि ये जो कंपनी है ना, इसमें सौरभ गांगुली जी की भी हिस्सेदारी थी, और यही टीम बेसिकली लखनऊ की जो IPL टीम है उसको परचेज कर लिया, उसका जो वीड है वो जीत गई। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई और सौरभ गांगुली को पोस्ट छोड़ना पड़ा। खैर देख लीजिए, दो टीम बेसिकली नई आई हैं, एक लखनऊ जिसको जीता है RPSC ने, और एक आपकी अहमदाबाद की टीम है जो कि बेसिकली जिसकी बीट लगाई गई थी 1516। नाम भी याद रखना है, इसको जीता है CVC कैपिटल पार्टनर्स ने। तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को आप ध्यान रखना, किस कंपनी ने जीता है और कौन सी टीम को जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन एक्सपेक्ट टू द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाई द सुप्रीम कोर्ट टू प्रूव द पेगासस स्नॉपिंग एलिगेशन। आप सभी को पता है काफ़ी टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही है कि गवर्नमेंट ने पेगासस को ख़रीदा है, और रिसेंटली बयान भी आया है, ये पेगासस जो बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी इजराइल की वो बनाती है, बट वो कंपनी कहती है कि हम केवल
गवर्नमेंट को ही बेचते हैं ये फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। मान लीजिए कोई जांच करनी है, कहीं से कोई एथेंटिक डाटा लेना है गवर्नमेंट के अपने काम के लिए, सिक्योरिटी के लिए उनके, तो उसके लिए हम ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है बेचते हैं। ये जासूसी करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये सॉफ्टवेयर आपकी जासूसी आपके फ़ोन की, आपके लैपटॉप की, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं जहाँ पे ये जा सकता है, मतलब जहाँ पे डाला जाएगा हर जगह की जासूसी करता है। और रिसेंटली जो इजराइल के राजदूत हैं इंडिया में ना, उन्होंने भी कहा था कि हम ये जो सॉफ्टवेयर है केवल और केवल गवर्नमेंट को बेचते हैं, और इंडिया में इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके काफ़ी सारे लोगों की जासूसी की गई है, चाहे वो बड़े लॉयर्स हों, अपोजिशन के लीडर्स हों, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में लोग हों, चाहे जजेज हों। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि ये बेसिकली पेगासस को किसने खरीदा और क्यों खरीदा। गवर्नमेंट अब तक इस पे बयान दे रही थी कि ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया सिक्योरिटी के आड़ में छुप के आप सबके घर में नहीं घुस सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे देश के लोग ही देश के लिए थ्रेड बन गए हैं और आप सबके मोबाइल में घुस रहे हो। तो ये बहुत ही हार्ड कमेंट था सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो लेट्स सी क्या होता है, और आपका ओपिनियन भी मैं जानना चाहूँगा, हम सभी जानना चाहेंगे कि क्या किसी भी सरकार के लिए ये सही चीज़ है। हो सकता है अभी के लिए हम कहें चूँकि हमारी जासूसी हुई नहीं है और हम और आप जासूसी के लायक अभी हैं भी नहीं, हमारी किसी को ज़रूरत भी नहीं है। बट आप सोच के देखो कि अगर आप उस पोजीशन पे होते और आपके फ़ोन में कोई इस तरीके का मालवेयर है जो आपकी जासूसी कर रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, क्या नहीं शेयर कर रहे हो, ये सारी, तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड है, गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर रही है, अगर ये कि कोई भी गवर्नमेंट हो तो बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पे जो कमेटी है वो 3 मेंबर कमेटी है, यहाँ पे डिटेल भी आप देख लीजिए कि किन 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 को कमेटी का मेंबर बनाया गया है। एज सच कमेटी के जो मेंबर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको सुपरवाइज कौन करेगा इनका नाम भी आप ध्यान रखना, और कमेटी के मेंबर का नाम भी आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये इनका नाम है बेसिकली, आप इनको भी ध्यान रख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एमिशन गैप रिपोर्ट 2021, जो रिपोर्ट है वो किस नाम से पब्लिश किया गया है। तो वो पब्लिश किया गया है द हीट इज ऑन। कुछ टाइम पहले ही किसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो दुनिया का टेम्परेचर है ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और हमारा जो टारगेट था कि बढ़ रहा है तो उसका जो बढ़ने का रेट है, जो इंक्रीजिंग रेट है, उसको हम डिक्रीज करेंगे, बट वो हुआ नहीं है। अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि जो वर्ल्ड टेम्परेचर है दैट इज़ इंक्रीज बाई 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस रिपोर्ट का नाम है द हीट इज ऑन, क्योंकि ये उसी पे फोकस्ड है। कहा गया है कि हम बहुत हैवी अमाउंट में एमिशन कर रहे हैं, लाइक CO2 का आपने नाम सुना होगा, कई सारे जगह पे प्लानिंग किया जा रहा है कि हम इसको मिनिमाइज करेंगे जहाँ से ह्यूज एमिशन हो रहा है। उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था CO2 को किस तरीके से आप काउंटर कर सकते हो, किस तरीके से स्टोर कर सकते हो। खैर, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दैट इज़ बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेसबुक न्यू नेम। फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर लिया, बट ये सोच लो कि नाम चेंज करने से कलंक नहीं धुलता है। अगर आपने एक बार चोरी किया है और चोर का नाम बदल लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, कि आपने चोरी नहीं किया, आपका गुनाह माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं फेसबुक के बारे में कि फेसबुक ने रिसेंटली बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लिया है। अब कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ये चाह रहे हैं कि थोड़ा इससे पीछा छूटे तो लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाए। हालांकि जो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुगर, उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो वर्चुअल रियलिटी में काम करना चाहते हैं, और उसके लिए एक कंपनी का नाम, एक ऐसा नाम होना चाहिए जो बेसिकली किसी स्पेसिफिक एरिया को फोकस नहीं करता हो। इसलिए उन्होंने जो पेरेंट कंपनी है, अब जितना भी जैसे इनका व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब ये चलाते हैं, अब इन सब की पेरेंट कंपनी होगी एक बेसिकली मेटा, और जिसका काम होगा वर्चुअल रियलिटी पे काम करना। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कहा है, बट वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोंकण शक्ति द फर्स्ट आई एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब जितने भी आर्म सर्विसेज होती हैं सबने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और एक्सरसाइज में बेसिकली होता क्या है, मतलब जो भी वॉर का एक आप कह सकते हैं प्रोटोटाइप बना लेते हैं हम वहाँ पे, और उस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि अगर एक्चुअल वॉर होती है तो किस तरीके से हमको उसको काउंटर करना है। तो इन शॉर्ट इसको आप प्रैक्टिस समझ सकते हो। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ट्राई सर्विस थी। अपने आप में जब आपने देखा होगा कि जब कहीं पे एक्सरसाइज होती है तो उसमें बेसिकली एयरफोर्स से पार्टिसिपेट कर रही है, इंगेज कर रही है, आर्मी से कर रही है, नेवी से कर रही है। बट यहाँ पे हर टाइप का एंगेजमेंट हुआ, एयर में भी हुआ, नेवी में भी हुआ, थल पे भी हुआ। तो इसे इसलिए कहा जा रहा है कि ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ठीक है। और जहाँ पे वॉर होता है वहाँ पे केवल
एक जो सर्विस है वो नहीं लड़ती है, तीनों सर्विसेज लड़ती हैं, तो तीनों सर्विसेज का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और इन सब प्रैक्टिस से बेसिकली हम वही इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको कनेक्ट करता है? आप सोचोगे कि अचानक से ये कहाँ से आ गया। रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज में था, क्योंकि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जो CPEC की अथॉरिटी है चाइना की, अरे सॉरी पाकिस्तान की, वो लोग कह रहे थे कि जो US प्रेसिडेंट हैं वो बेसिकली ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और इंडिया और रॉ पे तो यूजली वो ब्लेम करते ही करते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका पर ब्लेम कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान का वो साथी रहा है, तो ये एक ब्लंडर कह सकते हो आप। पाकिस्तान जो कंटिन्यूसली करते जा रहा है, ब्लंडर कह लो या फिर चाइना का इन्फ्लुएंस कह लो या दोनों कह लो, वट एवर दैट। तो इन शॉर्ट इसलिए ये न्यूज़ में था, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो किसको कनेक्ट करता है ये? वेस्टर्न चाइना को कनेक्ट करता है, और ग्वादर पोर्ट को नाम आप लोगों ने सुनाई होगा। यहाँ पे मैप भी देख लीजिए कि कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है गॉर्डर पोर्ट पाकिस्तान से, ये है इंडिया, और इंडिया का ऑब्जेक्शन ये है कि बेसिकली ये जो पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन ये हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर से होके जा रहा है, तो इसलिए इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन भी नहीं किया है। कई बार इसका ऑफर भी आया था, और जो पूरा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसी को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है। तो खैर ये भी न्यूज़ में था, आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पब्लिक ऑफर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? रिसेंटली आपने देखा होगा कि मार्केट पूरी क्रैश हो रही है कंटिन्यूसली, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं RBI ने जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग होती हैं उनके ऊपर, और उन्होंने कहा है कि हम रिवर्स रेपो रेट जो होगा वो बढ़ा देंगे। रिवर्स रेपो रेट मतलब ये होता है कि बैंक अपना पैसा, बैंक की जो लिक्विडिटी है वो दूसरे जगह दे, या फिर इन्वेस्ट करें मार्केट में, या कंपनी को लोन दें, जिससे बेसिकली शेयर मार्केट इंप्रूव हो। वो कह रहे हैं कि अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा, तो बैंक सोचेगा यार कि बाकी जो मार्केट में पैसा दे रहे हैं उसमें रिस्क है, तो हम मार्केट को क्यों दें, हम RBI को क्यों ना दे दें। जैसे क्या होता है कि बैंक भी RBI से लोन लेते हैं और RBI भी बैंक से लोन लेता है, ठीक है? तो RBI जो बैंक से लोन लेता है और उस पर जो इंटरेस्ट देता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब ये बढ़ाने की बात हो गई, तो बैंक अब दूसरी जगह पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा लोगों को लग रहा है। अब वो तो RBI को देंगे, जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी कि पैसा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो सकती है, और RBI यही चाहता है कि लिक्विडिटी की कमी हो जाए, थोड़ा इन्फ्लेशन कम हो जाए, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो खर्च ज़्यादा करेंगे। ये सारा इकोनॉमिक्स का गूढ़ागणित है, तो ये सब करके बेसिकली उन्होंने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और NFC पे कुछ अलग से उन्होंने IPO में इन्वेस्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जिसको लेके मार्केट कंटिन्यूसली धाराशाही हो रहा है। लेट्स सी और कब तक होता रहता है। तो थोड़ी चीज़ें और भी आपको जानना चाहिए इसके बारे में। पहला है कि कंपनी मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी, बिल्कुल ये मीट करेंगे तभी वो पब्लिक ऑफर लेके आ सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड द पोस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, नहीं ये पोस्ट मार्केटिंग नहीं होता है, प्री मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर वेयर स्टेप इन्वॉल्व इन द IPO। बेसिकली अगर प्री मार्केटिंग होता ये भी सही है, पोस्ट मार्केटिंग लिखा गया इसलिए गलत है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। IPO कंपनी निकालती क्यों? अगर मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोला और मैं उसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक इसीलिए हूँ क्योंकि उस कंपनी में बस मेरा पैसा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, मेरे पास और पैसा नहीं रहा, अब मैं चाहता हूँ कि और लोगों से पैसा लूँ, इसमें इन्वेस्ट करूँ, तो एक जनरल रूल होता है कि जो भी आपके कंपनी में पैसा लगाएगा उसको मिलेगी ओनरशिप, ठीक है? अब वो क्या, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए लेके आऊंगा पब्लिक ऑफर, जिसे हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लोग मेरे कंपनी का शेयर खरीदेंगे, और जब मेरे कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो उनको मिलेगी हिस्सेदारी विथ नो गारंटी, ठीक है? नो गारंटी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कई सारे कंपनी बंद हो गई, पैसा लेके आपका भाग गए, हमारा आपका जो भी मार्केटिंग करते होंगे काफ़ी सारे लोगों का पैसा डूबा होगा। गीतांजलि जेम्स जैसे शेयर हुए, और भी कई सारे शेयर हुए जो जीरो हो गए सीधा, रिलायंस कम्युनिकेशन हुआ। तो इन शॉर्ट कहा जाता है कि इस टाइप की कंपनियां भी आती हैं जो पब्लिक का पैसा लेके फरार हो जाती है। खैर आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे वो डिटेल मैंने मेंशन कर दिया है, एक बार आप रीड आउट कर सकते हो इसको। विथ रिस्पेक्ट टू द ड्रोन रूल 2021, हालांकि ड्रोन रूल को इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है जब ड्राफ्ट बिल आया था। अभी जो ड्राफ्ट है, आपको पता है ना एक प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, पहले वो ड्राफ्ट निकालते हैं, फिर पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, फिर अगर कोई चेंज है तो चेंज है, अगर चेंज नहीं हो तो उसको नोटिफाई कर दिया जाता है और वो रूल बन जाता है एक्ट, फाइनल हो जाता है। पहले आता है ड्राफ्ट बिल, ठीक है?
तो अभी क्या हुआ है, अभी जो ड्राफ्ट पहले वाला था उसको नोटिफाई कर दिया गया है, तो सिंपली अब वो क्या बन गया है, एक्ट बन गया, रूल बन गया, इन शॉर्ट अब वो अप्लाई हो चुका है। तो जब ड्राफ्ट बना था तब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया है कि नो परमिशन रिक्वायर्ड टू फ्लाई द ड्रोन इन द ग्रीन एंड येलो जोन। ग्रीन और येलो जोन में कोई आपको वो नहीं चाहिए, परमिशन नहीं चाहिए, नहीं गलत बात है, ग्रीन जोन में हमको परमिशन नहीं चाहिए बट इस जोन में परमिशन चाहिए, और जो रेड जोन होता है उसमें तो आप फ्लाई ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नो पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो ड्रोन इन द कमर्शियल यूज, बिल्कुल नहीं चाहिए माइक्रो ड्रोन के लिए आपका जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा, बहुत सारे जगह इसका यूज हो रहा है ना कंटिन्यूसली। मान लीजिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि शादी वादी में जो कैमरे वाले होते हैं, जो शूटिंग चल रही होती है उसमें भी वो ड्रोन कैमरे का यूज करते हैं। तो पहले क्या होता था, आपको किसी भी ट्राइब का ड्रोन उड़ाना है तो आपको लेनी पड़ती थी परमिशन, बहुत रिस्ट्रिक्ट रूल था, अब उसको कर दिया गया है सिंप्लीफाई। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारा जो यूज़ होता है कंपनी में, एग्रीकल्चर में, दूसरे जगह पे वो हो जाएगा ओवर सिंप्लीफाई, जिससे उसका यूज़ बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड सही। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये ड्रोन होते क्या है, तो ड्रोन बेसिकली आप मान लो कि एयरक्राफ्ट हैं जो सेल्फ ऑपरेटेड होते हैं, या फिर हम क्या करते हैं रिमोट से उनको ऑपरेट करते हैं, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ और डिटेल दिया गया है जो बेसिकली लॉ है, नोटिफाई किया है उसके बारे में, अब थोड़ा सा रीड आउट कर लिया, वैसे जो इम्पोर्टेंट है ऑलरेडी हमने बता दिया। बेसिकली आपको जानना चाहिए कि ग्रीन जोन रेड जोन क्या होता है और येलो जोन क्या होता है, कहाँ पे ऑपरेशनेबल है ये बिना परमिशन के, कहाँ पे नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ डाटा मेंशन किया गया है, ये डाटा भी अगर आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रख लेना है ये चेंज, कि पहले जो आपका येलो जोन था वो 45 किलोमीटर तक था, अब उसको रिड्यूस करके येलो जोन को कर दिया गया है 12 किलोमीटर, काफ़ी कम। जो एयरपोर्ट्स होते हैं ना उनसे पहले 45 किलोमीटर के पेरीमीटर में आपको ड्रोन उड़ाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, अब केवल 12 किलोमीटर में अगर आप उड़ाना चाहते हो तो ही परमिशन की जरूरत है, बाकी टाइम आप यू आर फ्री टू फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द अभ्यास। अब नाम सुन के लग रहा है कि ये कोई है युद्ध एक्सरसाइज, बट ये युद्ध एक्सरसाइज है नहीं, ये एक तरह का एरियल टारगेट है। एरियल टारगेट का काम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। जैसे मान लीजिए आपके किसी मिसाइल को अभ्यास करना है, देखना कि यार ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है कि नहीं करती है, तो उस टाइम किसी को तो आपको शहीद करना होगा, तो उस टाइम पे ये जो भाई साहब अभ्यास हैं इनको शहीद किया जाएगा, मतलब इनको यहाँ से फायर किया जाएगा, यहाँ से मिसाइल फायर किया जाएगा, ये बेसिकली टारगेट होगा, और ये इसको अगर हिट करती है तो हम कहेंगे हमारा टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई टेस्ट करना है तो वहाँ पे अभ्यास का हम यूज़ करेंगे, तो अभ्यास को भी तो टेस्ट करना पड़ेगा कि ये भी प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रिसेंटली इसको DRDO ने टेस्ट किया है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन ये गलत है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज फर्स्ट आंसर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी जो डिटेल है इनके बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये तस्वीर आप लोगों ने पेपर न्यूज़ यहाँ पे देखा होगा, कुछ इस तरीके से ये जो एरियल टारगेट है इसको लॉन्च किया गया था उड़ीसा से, ठीक है, और बता दिया मैंने आपको बेसिकली इनका पर्पज़ क्या होता है, किस लिए ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विथ रिस्पेंस टू द Agni-5 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप सभी को पता है रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट किया है Agni-5 मिसाइल, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है इससे चाइना को, हालांकि चाइना ने सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है जो अब तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है। USA ने करने का ट्राई किया था अभी रिसेंटली चाइना के बाद, बट वो बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। हालांकि जो चाइना का था वो भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं था, बट ये अपने आप में एक वंडरफुल साइंस है कि उन्होंने एटलीस्ट टेस्ट कर लिया सक्सेसफुली। खैर अब हम बात करते हैं Agni-5 की। इट इज़ इंडिया लार्जेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। बिल्कुल ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, आगे मैंने उस पर भी क्वेश्चन डाला है, उसको भी समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब दूरी इतना ज़्यादा हो जाए कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वो जा पाए, तो उसे हम कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल है, और इसको डेवलप किया है DRDO ने। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका तीनों के तीनों सही हैं, दैट्स मीन कि आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए और यहाँ पे आपको वो डिटेल्स भी नज़र आ रही होंगी Agni-5 की, बट बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको याद करने नहीं हैं, बट इतना जानना कि Agni-5 बेसिकली है क्या। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से रिलेटेड कुछ आपको डिटेल्स दिए गए हैं, आपको बताने हैं इनमें से सही
कौन सा है? सही स्टेटमेंट बताने हैं। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल आर गाइडेड मिसाइल टू कम्बैट टेरिटोरियल टारगेट। जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना वो किसी भी टाइप के टारगेट को हिट करने में सक्षम है, केवल टेरिटोरियल नहीं। टेरिटोरियल मतलब जो जमीन पे हो, सरफेस में हो। इसके लिए हम यूज करते हैं क्रूज मिसाइल का, क्रूज गाइडेड मिसाइल। क्रूज को गाइडेड मिसाइल भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्टिव प्रोपल्शन होता है, मतलब मिसाइल जहाँ तक शुरू से लॉन्च से लेके हिटिंग तक उसको हम गाइड कर सकते हैं और उसको हम कंटिन्यूस प्रोपल्शन देते रहते हैं, इसलिए वो जनरली स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। स्ट्रेट लाइन में वो अपना जो उनका पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जनरली, हाँ हमेशा नहीं। और दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है ना वो ट्रेजेक्टरी की तरह होता है, उसका रीजन भी ये होता है कुछ इस तरीके से। उसका रीजन ये होता है कि इसको जो इनिशियल ट्रेजेक्टरी होती है ना वो तो हम दे देते हैं, यहाँ पे हम फ्यूल बर्न करके इनको इनिशियल ट्रेजेक्टरी दे देते हैं। एक बार इनिशियल ट्रेजेक्टरी देने के बाद इनको हम छोड़ देते हैं, फिर डिपेंड करता है कि हम ये किसको हिट करेंगे। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने इनको इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, एयर रेजिस्टेंस कितना है, और जो आपका कोरिओलिस फोर्स आ रहा है, कोरिओलिस कंपोनेंट जो आ रहा है अर्थ मूवमेंट का वो कितना है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसी वजह से इनकी एक्यूरेसी भी क्रूज मिसाइल की इतना नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होती है जितना कि क्रूज मिसाइल होती है। बट एक चीज़ होती है कि ये मल्टी वॉर हेड लेके जाती है, मल्टी वॉर हेड की। चलो प्रिसीजन खराब है तो क्या हुआ, जहाँ पे हमारा टारगेट है उसके आसपास हम बमिंग कर देंगे, हर जगह बम गिरा देंगे, जब पूरा तहस नहस ही करना है। और जनरली जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना ये न्यूक्लियर वॉर हेड के लिए बनाई गई हैं, तो न्यूक्लियर बम जब फेंकना ही है उसका इम्पैक्ट अपने आप में इतना बड़ा होता है तो फिर काहे का प्रिसीजन, ठीक है काम खत्म हो जाएगा। क्रूज मिसाइल में चाहिए होता है, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल होता है जनरली जो कन्वेंशनल वॉर हेड होते हैं वो लेके जाते हैं, क्रूज मिसाइल से हम लेके जाते हैं। एक और बात है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना ये भाई आपके एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट रेंज नहीं। लॉन्ग रेंज वाली जनरली क्या होती है, आपके एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी स्टार्टिंग में, फिर जब टारगेट को हिट करना होगा तो अगेन एटमॉस्फेयर में वापस आएगी, बट ऐसा क्रूज मिसाइल में नहीं होता है, वो एटमॉस्फेयर में ही घूमती रहती है। सेकेंड ऑप्शन है बैलिस्टिक मिसाइल आर सेल्फ प्रोपेल्ड, कुछ प्रोपेल्डिंग इसको नहीं दिया जाता है, एक बार इसको हम प्रोपेल्ड करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें कुछ भी लगा नहीं रहता, ऐसा कि इसको प्रोपेल करते रहे कंटिन्यूसली, वो एनर्जी जनरेट करते रहे और इसको आगे बढ़ाते रहे। इसीलिए तो देखो आप मान लीजिए कोई पत्थर आप फेंकते हो और उसको आप एकदम से इसमें इंजन नहीं लगा रखा आपने कि वो इंजन फ्यूल बर्न करेगा और इसको वेलोसिटी देता रहेगा, आपने पत्थर फेंका तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ग्रेविटी के साथ फॉल करेगा। उसी तरीके से देखो ये भी ग्रेविटी के साथ फॉल कर रहा है क्योंकि इसको हम प्रोपेल करते ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्रूज मिसाइल लीव द अर्थ एटमॉस्फेयर, नहीं क्रूज मिसाइल नहीं छोड़ती है, वो छोड़ती है बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। क्रूज मिसाइल आर नोन आल्सो नोन एज द मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। क्रूज मिसाइल को नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहाँ पे री एंट्री व्हीकल इसलिए कि मैंने कहा एटमॉस्फेयर छोड़ देता है फिर वापस से री एंट्री कर लेता है, एक से ज्यादा वार हेड लेके जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि उसके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूज मिसाइल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये पूरा क्वेश्चन उल्टा का पुल्टा लिखा हुआ है, इसलिए सारा का सारा यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे मैंने डिटेल में इन सब का डिफरेंस भी दे दिया है, आप एक बार इसको रीड आउट भी कर सकते हो शांति से, कभी भूलोगे तो दोबारा रिवाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे बाकी डिटेल भी मेंशन कर दिया गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फॉर्म ऑफ साइबर अटैक। अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंटली आपने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का साइबर जो है ना 5-5-6 घंटे के लिए स्लो डाउन हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ आपके फेसबुक वाले भैया की, ठीक है, क्या हुआ था उनके साथ आपको पता ही होगा। तो आज बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो साइबर अटैक है वो किस तरीके से होता है। तो पहला है फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है जैसे आप मछली पकड़ते हो ना, मछली पकड़ते हो तो चारा डालते हो, मछली लालच में आती है पकड़ लेती है, उसी तरीके से आपके कुछ लोग लुभावने आपके पास ऑफर आएंगे, मेल आएंगे कि आप ये करो वो करो, जैसे ही आप वो करोगे आपका सिस्टम हैक कर लिया जाएगा। सेकेंड होता है जीरो डे एक्सप्लॉइट। जीरो डे एक्सप्लॉइट मतलब कि कोई नया तरीका, जो अटैकर है ना एकदम से नया तरीका, इनोवेटिव तरीका ईजाद कर लिया जिसके बारे में किसी को पता नहीं कि इस तरीके का भी अटैक होता है, और आपने आपको उसने टारगेट बना दिया, मतलब जीरो डे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस नया तरीके का सबसे पहले यूज आपके ऊपर हो रहा है और आप भी हो जाओगे उसके साथ ही अमर। नेक्स्ट जो है मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कई सारे तरीके से होता है कि दो लोग हैं आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और बीच में किसी तरीके से जो हैकर उसने अपने आप को फिट कर लिया और आप दोनों की इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है, वो अपने हिसाब से उसको जो रिक्वायर्ड होगा वहाँ से ले लेगा।
या फिर मान लीजिए आदमी की जगह पे हमने एक ऐप बना दिया और आप ऐप से कम्युनिकेट कर रहे हो, और ऐप तो जनरली आप यूज करते हो, उसी को कहेंगे ऐप कम्युनिकेशन। और बीच में बेचारा ये हैकर, बेचारा कह रहा हूँ, ये हैकर घुस जाता है और कहता है सुनो ये ऐप मैंने बनाया है, मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे काम वाली, जैसे क्रेडिट कार्ड क्या डाला तुमने, ये क्या डाला, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, ठीक है सारी चीज़ें ले लेते हैं, फिर आपका काम कर देते हैं तमाम। और ये तो बहुत पुराना तरीका है, मालवेयर, मतलब किसी भी तरीके का कोडिंग सॉफ्टवेयर आ जाएगा और वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन चुराना शुरू कर देगा, आपके सिस्टम में आ गया। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, ये सारे तरीके हैं बेसिकली साइबर अटैक के, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसी साइबर अटैक के साथ हम अपना अटैक भी करते हैं बंद, क्योंकि आप लोग हो गए हो परेशान सुन सुन के। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।